गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिशा। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली ऑफ डिसएडवांटेज सेजमैन, कि जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं उनका हमारे समाज में एजुकेशन के मामले में वो पिछड़े हुए क्यों हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, हमारे समाज में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको बोलते हैं हम वंचित वर्ग। तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि वंचित वर्ग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। देखिए, वंचित वर्ग का शाब्दिक अर्थ है अभाव, विहीन आदि, यानी जिसके पास सुविधाओं का अभाव होता है, जिसके पास सुविधाओं की कमी होती है, उसे बोलते हैं हम वंचित वर्ग। जब किसी व्यक्ति को सुविधाओं से अलग कर दिया जाए, उसे प्राप्त होने वाली सुविधाओं को देना बंद कर दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति सदैव गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। यानी अगर किसी रीजन से किसी व्यक्ति को समाज से कोई सुविधा मिलनी बंद हो जाए, या ऑटोमेटिक ही वो व्यक्ति जो है गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति सदैव असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जो उनकी इच्छा पूर्ति है वो पूरी नहीं हो पाती है, और उन सुविधाओं के अभाव में विचार विहीन होकर अपने व्यक्तित्व का विकास करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो सदैव असंतुष्ट रहते हैं। यानी असंतुष्ट का मतलब है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहकर और ज़्यादा चाहने की पाने की चाह रखना, और हमेशा क्या है, अपने व्यक्तित्व का विकास करने में भी असमर्थ हो जाते हैं, और निर्धनता पूर्वक जीवन व्यतीत करने पर विवश हो जाते हैं। अतः इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहकर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को समाज में वंचित वर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी एक तो वो है कि जो अपनी गरीबी में ही खुश है, उसी के अनुसार अपने जीवन यापन कर रहा है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हैं कि जो उनके पास हैं वो उसमें संतुष्ट नहीं हैं, और अपनी सुविधाओं से वंचित रहते हैं और अपने जीवन यापन को समाज में अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए समाज में ऐसे वर्ग को वंचित वर्ग के नाम से जाना जाता है। इन्हें समाज में आज भी दास प्रथा की तरह ही अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। इसे ही दलित या हरिजन कहकर पुकारा जाता है। दलित वर्ग हैं उन्हें हरिजन या दलित कहकर पुकारा जाता है, जिसकी दशा समाज में दयनीय और सोचनीय है। कि जो हमारा दलित वर्ग है उनकी जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है और सोचनीय है। आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला वर्ग वंचित वर्ग कहलाता है। उसमें जरूरी नहीं है कि हम दलित और हरिजन को रखने। अगर हम आज की सिचुएशन को देखें कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है, उन सभी को वंचित वर्ग में इंक्लूड किया गया है। अब हम इसके बाद करेंगे कि वंचित वर्ग के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने जो डायग्राम के थ्रू दिखाया है, वंचित वर्ग के 6 प्रकार हैं। पहला वंचित वर्ग होता है जो माता पिता के स्नेह से वंचित रहता है। दूसरा, शारीरिक विकलांगता होती है। तीसरा, मानसिक विकलांगता होती है। चौथा, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित रहता है। पांचवा, आर्थिक दृष्टि से बाधित रहता है। और छठा, सामाजिक दृष्टि से वंचित रहता है। तो ये हमारे 6 प्रकार हैं हमारे डेप्राइव्ड के, डेप्राइव्ड जो क्लासेस हैं उनकी, तो उनके 6 टाइप्स हैं। यहाँ पे हम इनको 1 by 1 डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है हमारा डेप्राइव्ड ऑफ पेरेंटल लव, यानी माता पिता के स्नेह से वंचित। देखिए, हम सभी जानते हैं हमारी जो फर्स्ट स्कूल होता है, जो प्रथम पाठशाला होती है, वो क्या होती है, हमारा घर होता है। बालक के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं, परंतु समाज में कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो माता पिता के सुख से या तो प्रारंभ से ही वंचित रह जाते हैं, या किसी कारणवश उन्हें यह स्नेह या सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे समाज में अनाथ बालक की संख्या से परिभाषित होते हैं। यानी हम यहाँ पे वंचित वर्ग को बता रहे हैं, इस तरह के बच्चों को भी वंचित वर्ग में इंक्लूड किया गया है, कि या तो उनके पेरेंट्स सडनली एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ ऐसी घटना हो गई है कि बचपन से ही उन्हें पेरेंट्स का लाभ प्यार नहीं मिला, या बड़े होकर पेरेंट्स से वो अलग रहे हैं, या कुछ भी हो, तो यानी जिन्हें माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता है उन बच्चों को भी
क्या है, अनाथ बालक की संज्ञा दी जाती है और ये भी वंचित वर्ग के एक प्रकार में आता है। दूसरा है हमारा शारीरिक विकलांगता यानी फिजिकल डिसेबिलिटी, कि जो व्यक्ति किसी फिजिकली अंग उसका नहीं है किसी कारण से, जैसे शारीरिक विकलांगता है तात्पर्य है कि यहाँ उन व्यक्तियों से है जिनका अंग आंतरिक कारणों की वजह से या किसी दुर्घटना व क्षतिग्रस्त हो गया है, जैसे ट्रेन हादसे में किसी व्यक्ति के अंग का कट जाना या घातक बीमारी स्वरूप अंग को काटना अलग करना, ऐसे व्यक्तियों को जीवन बहुत ही दुविधाजनक होता है। तो इन व्यक्तियों को भी हम जो है वंचित वर्ग की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों को अपने जीवन यापन करने में बहुत दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। नंबर थर्ड, मानसिक विकलांगता यानी मेंटल डिसेबिलिटी। मानसिक विकलांगता से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो जन्म से मानसिक दोष से ग्रस्त होते हैं या फिर किसी दुर्घटना से पीड़ित होकर विकलांगता के शिकार हो जाते हैं। उनके सोचने समझने किसी कार्य को स्वयं कर पाने की सदैव असमर्थता रहती है, यानी ये भी हमारे डेप्राइड वर्ग का एक प्रकार है कि कोई व्यक्ति या तो जन्म से ही मेंटली डिसेबल होता है या किसी दुर्घटना से ठीक था स्वस्थ था और लेकिन जब किसी दुर्घटना की वजह से वो मेंटली डिसेबल्ड हो गया है, तो इस तरह के व्यक्तियों के पास सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती है और वो सदैव स्वयं किसी कार्य को कर पाने में असमर्थ होते हैं। नंबर फोर्थ, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित, कल्चरली डेप्राइव्ड। देखिए, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित वर्ग का तात्पर्य उन बालकों से है जिनमें कई प्रकार की प्रतिमाएं होती है परंतु वह आर्थिक या निजी कारणों से नहीं सीख पाते हैं। कई बच्चों के अंदर बहुत सारी जो कल्चरल एक्टिविटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, परंतु उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है, या तो वो आर्थिक यानी इकोनॉमिकली वीक होते हैं या उन्हें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है जिससे वो उनको नहीं सीख पाते हैं, जिससे वे अपना विकास करने में पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार बालक स्वयं को भावहीन और कमजोर समझने लगता है। नंबर फिफ्थ है हमारा आर्थिक दृष्टि से वंचित यानी इकोनॉमिकली डेप्राइव्ड। देखिए, आज भारतीय समाज का सबसे बड़ा अभिशाप कहें तो वह है गरीबी, जो भारतीय समाज को एक प्रकार से कोड कहलाती है। हम सभी देखते हैं कि भारत के अंदर जो है गरीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आज गरीबी में समाज में रहने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार से जकड़ लिया है जिसके कारण वह उन सुविधाओं से वंचित है जिनका प्राप्त होना संविधान के अनुसार उनका हक है। यानी जो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे वंचित वर्ग में है और हमारे संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उन्हें कुछ राइट्स मिले हुए हैं, कुछ रिजर्वेशन मिले हुए हैं, कुछ आरक्षण मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। यानी गवर्नमेंट ने अगर उनकी आर्थिक दृष्टि को उभारने के लिए उन्हें उनका हक देने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन वो उससे भी वंचित है। उन्हें मजबूरन विलासिताहीन दासतापूर्ण दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उनके पास हक तो है लेकिन उन्हें पता नहीं होता है या उन्हें वंचित रखा जाता है और वो इस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर सिक्स, सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग यानी सोशली डेप्राइव्ड। सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग का तात्पर्य उन लोगों से है जिन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त नहीं होता है और जो अन्य समूह वर्ग के लोगों को प्राप्त होता है। इनका मूल कारण है जातिवाद तथा आपसी भेदभाव की भावना है। निम्न वर्ग के लोगों को उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है। देखिए, समाज में जो होता है, समाज में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है। कोई समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है, किसी को समाज में निम्न स्थान प्राप्त होता है, लेकिन जो अन्य वर्ग समूह है ना, वो यानी जो उच्च वर्ग समूह है वो निम्न वर्ग के साथ जाति या आपसी भेदभाव की भावना रखता है और निम्न वर्ग को हमेशा हे यानी एक तुच्छ दृष्टि से देखता रहता है। तो ये जो हमारे वंचित वर्ग हैं उनके कुछ प्रकार हैं। वंचित वर्ग का मतलब ये ही नहीं है कि आप केवल
आप जो केवल है दलित वर्ग है उन्हें ही वंचित वर्ग है। वंचित वर्ग का मतलब है कि आप जो है आर्थिक तौर से वंचित हैं या सामाजिक तौर से वंचित हैं या सांस्कृतिक तौर से वंचित है या मानसिक तौर से वंचित है। सो आज हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ डेफ्राइड एंड टाइप्स ऑफ डेफ्राइड। थैंक यू।